एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज रिव्यू के लिए मेरे पास है ये ओजीवा के हेयर विटामिंस। जब हमें अपनी रेगुलर डाइट से सफिशिएंट एंड प्रॉपर क्वांटिटी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जिनकी हमारे बालों की गुड हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरत होती है, तो हमें हेयर फॉल, हेयर लॉस, ड्राई हेयर, फ्रिजी हेयर, ड्राई स्कैल्प जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ऐसे में रोल आता है सप्लीमेंट्स का। और सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं है गाइस, लेकिन सप्लीमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने हुए हों सप्लीमेंट्स, उनमें किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं होने चाहिए। गाइस, ये ओजीवा हेयर विटामिंस 100% नेचुरल एंड वीगन हैं, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। ये किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स इसमें यूज नहीं किए गए हैं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज नहीं किए गए हैं, नो सोय, नो शुगर, ग्लूटेन फ्री हैं ये और नॉन जीएमओ हैं। बालों की रेगुलर एंड हेल्दी ग्रोथ के लिए और स्कैल्प और बालों दोनों के नरिशमेंट के लिए इसमें है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, जिंक और ओमेगा 3 है इसमें। इसमें डीएचटी ब्लॉकर भी है। DHT is dihydrotestosterone guys, ये एक हार्मोन होता है और मेल्स फीमेल्स दोनों में ही ये जब एक्सेस में हो जाता है तो हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करता है, हेयर ग्रोथ साइकिल को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देता है। ये हेयर फॉल बहुत ईजीली होने लगता है और हेयर फॉल होने के बाद क्योंकि हेयर फॉलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं तो हेयर रीग्रोथ होनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बॉल्डनेस आने लगती है, स्कैल्प पर पैचेस आने लगते हैं, आपने देखा होगा कि पार्टिंग ब्रॉड होने लगती है, हेयर लाइन रिसीड होने लगती है या फिर हमारे यहाँ साइड से बाल हल्के होने शुरू जाते हैं एंड अल्टीमेटली वहां पर पैचेस बनने लगते हैं। सो गाइज, इन ओजीवा हेयर विटामिंस में ऐड किए गए हैं नेचुरल प्लांट बेस्ड DHT ब्लॉकर्स, जिससे कि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक होने से रोकता है बल्कि उनको ओपन अप करता है, जिससे कि हेयर रीग्रोथ फास्ट होती है, हेयर ग्रोथ फास्ट होती है और साथ में हेयर लॉस और हेयर फॉल को ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर ओमेगा 3 भी है, वो भी एकदम नेचुरल है, जिससे कि हमारे हेयर स्ट्रैंड्स को ये हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, इवन ये स्कैल्प को भी हाइड्रेट करता है, फ्लेकी ड्राई स्कैल्प को हाइड्रेट करके मॉइस्चराइज करता है, जिससे कि हेयर की जो हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होती है, बालों का टेक्सचर भी इंप्रूव होता है और स्कैल्प का टेक्सचर भी इंप्रूव होता है। सो ओवरऑल इसमें सभी ऐसे विटामिंस एंड मिनरल्स ऐड किए गए हैं जो बालों की, स्कैल्प की दोनों की ही हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। 2 कैप्सूल्स डेली इसके कंज्यूम करने होते हैं, जो कि आप 1 कैप्सूल लंच और 1 कैप्सूल डिनर में लेंगे तो बॉडी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। और जब हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं अपने बालों के लिए तो कम से कम 2 से 3 महीने हमें वेट करना होता है उसके रिजल्ट्स के लिए। इमिजिएटली हमें कभी रिजल्ट नहीं मिलते हैं अगर हम अपनी डाइट लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा बालों के लिए या कोई सप्लीमेंट लेते हैं अपने बालों के लिए। तो ब्रांड भी कहती है कि कम से कम 3 मंथ्स के लिए आप इसे रेगुलर लीजिए, उसके बाद आपको इसके विजिबल और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अबव 18 ईयर्स ऑफ एज के मेल फीमेल दोनों ही इसे ले सकते हैं। सो गाइज, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें अपने बालों की गुड हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं। बालों को, स्कैल्प को नरिश करता है, हेयर लॉस हेयर फॉल दोनों को ही कंट्रोल करता है और हेयर रीग्रोथ एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑनलाइन परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक और वेरी इंटरेस्टिंग बात गाइज, ओजीवा ना सिर्फ 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं बल्कि ये जुड़े हुए हैं एक बहुत ही अच्छे सोशल कॉज में भी। जब भी हम ओजीवा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम भी हेल्प करते हैं ओजीवा के मिशन ऑफ एम्पावरिंग 10,000 फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज बाय 2030 में, जिसका नाम है ओजीवा किसान विकास प्रोग्राम। इसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है गाइज, जरूर चेक करिएगा। आई होप ये रिव्यू आपको हेल्पफुल लगा होगा गाइज। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।